इशरार अहमद खान साहब, जनाब सैयद जमील बुखारी साहब, जनाब मलिक आबिद बाबा साहब, याम सलीम साहब, हमारे एक्सियन ऑपरेशन फुरकान साहब, एक्सियन खुर्शीद साहब, हमारे आरआरई से और जो प्रोजेक्ट के एसडीओ हैं, तमाम को मैं यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ और आप तमाम भाइयों का मैं मशकूर हूँ कि आपने आज इस तकरीब में शिरकत की है। आपके इल्म में है कि ये फीडर जहाँ ये अपना हमारा जो ग्रिड है जहाँ हम आज बैठे हैं, ये दरियाए चनाब से स्टार्ट होता है और दरियाए सिंध तक जाता है। बिल्कुल वैसे इतना लंबा ग्रिड जो है ना, उस एंड पे बिजली पूरी होती है ना इस एंड पे बिजली पूरी होती है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम कुछ मज़ीद इसमें ऐसी चीज़ें करते कि हमारे लोगों को बिजली का जो उनके बहरान है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते और ये मसला हमारा हल होता। मैं मशकूर हूँ अपने एससी साहब का, एक्सएन साहब का और वाबडा के आरआरई के हमारे एक्सएन साहब का कि हमने जब बैठ के इसे प्रोग्राम किया फाइनल, तो उसमें एक तो हमने ये किया कि हम शाह जमाल के लिए अलहदा ग्रिड स्टेशन करें ताकि वो एरिया जो है वो अपनी ज़रूरियात वहीं पर पूरा करें और इस एरिया का जो है ये बिजली सरप्लस होगी। साथ ये जो शहर के अंदर जिस तरह एक्सएन साहब ने बताया कि लाइनें घरों के ऊपर से जा रही थी, इन्हें हाई वोल्टेज को हम बाइक से निकालें और अंदर एलटी पोल्स लेकर आए और सारा ये करें, तो ये पूरा एक प्लान के साथ सारा बना। फिर इसका था जब ये सब चीज़ फाइनल हुई तो इसका फंडिंग का मसला था। चार साल हम कोशिश करते रहे, हमें फंड नहीं मिल रहे थे, मगर अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ने आपकी भी सुनी, इलाके की सुनी कि तब्दीली आई और इस साल हमें जाके फंड्स मिले और हमने पहला स्टेप ये लिया कि यहाँ पर ये हमने आज बिस्मिल्ला की है, पहला पोल खड़ा किया है। 380 के करीब पोल्स हैं जो लगने हैं और यहाँ पर ये हमारे दो ग्रिड अपना जो फीडर्स हैं यहाँ पर ये काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और विद इन 60 डेज जिस तरह एसडीओ साहब ने बताया इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स वैसे हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, 10-12 माह है सिर्फ हमारे पास। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पाइप लाइन में हैं काफ़ी सारे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन ब दिन हम जूं टाइम आगे होगा तो हम मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके इफ्तिताह भी करेंगे, उनके ऊपर काम भी होगा और हमारी कोशिश होगी कि इसी टेन्योर के अंदर हम ये सारे काम मुकम्मल करें। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान। बाकी जहाँ तक मुखालफिन की तरफ से होता है, जिस तरह तो ये सब कह रहे थे बात करने का, उनका हक है, जब जो अपोजिशन में है जिसने मुखालफत करनी है उसे 100 जवाब तराशने हैं। कि वो जब कहते हैं कि जी अगर कोई दाव पेच, कोई मुक्का आपको बॉक्सिंग या पहलवानी कुश्ती के बाद याद आए तो वो बेहतर होता है कि अपने मुंह पे बंदा मार ले। अगर उनका उनके पास 15-20 साल थे, कर सकते थे तो ज़रूर करते, हम वेलकम करते। अगर अब उन्हें ये हसरत है, अब रोने और जो सराई की में कहते हैं पिटन दे अलावा कोई भी मजीद दा 12 महीने सबर नाल कम गिनन, मेहनत वास्ता हौसले और हिम्मत नाल कम गिनन की वजह कुछ बह सदमे भी उन्होंने पहुंचन। असा दुआ करे सो कि वो इन्होंने सदमे चो जानवर थीमन और उन्हों को अल्लाह शफा देवे, हौसला देवे, हिम्मत देवे और इंशाल्लाह ताला ये थोड़े नाल वादा है कि ये आखिर नहीं, ये शुरू है इंशाल्लाह ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरक्की का सफर सादा इंशाल्लाह जारी रहा सी। ये मौके तो फायदा चाहते हुए मैं 2-4 गाली इंदे को हट के भी करे सा
कि इन वक्त जिन्ना हालात चो सारा मुल्क गुजरता पे दो चीजा कल थी अल्लाह ने करम किया एक जेड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफों जाली तौर पर सादिक और अमीन आई असा ऊ कैटेगरी तो ही बाहरों आ गए उसे और दूजा फैटअप जो ग्रे लिस्ट है छासे उन्दे को बाहरों आ गए।